मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग में चंद दिन बाकी। तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसे जुलूसों का इनेकाद कर रही हैं। इसी तरह तहरीक लबैक पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ी जमात बनकर उभरी। इस मरतबा भी इंतखाबात में क्रेन के इंतखाबी निशान के साथ भरपूर हिस्सा ले रही है और मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर उम्मीदवारान जीत के लिए पुरअज़म है। लाहौर के इलाके यूनियन काउंसिल 158 में तहरीक लबैक के इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और लबैक या रसूलल्लाह के नारे लगाए। तहरीक लबैक के रहनुमा कौमी असम्बली के उम्मीदवार राशिद करामत भट्ट ने यूनियन काउंसिल 158 में इंतहाबी जलसे में शिरकत की। राशिद करामत की आमद पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर हाजी मुनीर अहमद, अहमद रिजवी, सैयद हसान, मोहम्मद इब्रार गुजर, मोहम्मद अफजल गुजर, मियाँ हसीब, मुनीब रजा, हामद रजा समेत इलाका भर से लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर राशिद करामत भट्ट समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मैं कोई मुतकी भी नहीं, कोई परहेजगार भी नहीं, कोई नेक भी नहीं। मैं इलेक्शन भी पता नहीं कैंजे लड़ने, मेरी कोई समझ नहीं। लोग चेयरमैन का इलेक्शन लड़ते हैं, महीना महीना दो दो महीने पहले कंपेन करते हैं, यार मैं चेयरमैन खिलौना, मैं चेयरमैन खिलौना। मैं मेरे बड़े करीबी दोस्त ने शेख व्यास साहब जल्लो मोड़ के और भी बड़े दोस्त ने मेरे, किसी मैं क्या हो गया कि मैं इलेक्शन लड़ना है, मेरी फेसबुक से कितने लिखा हो गया मैं इलेक्शन लड़ना है। मेरे दोस्तों लोगों के हिस्से आ गए, चौधरी चेयरमैन चोर बॉर्डर बेचने वाले प्लाटा के कब्जे करने वाले लोगों के पैसे खाने वाले अमीर मेरे हिस्से आ गए, सरकार के गुलाम मेरे हिस्से आ गए, माड़े मेरे हिस्से आ गए, दीन नू पढ़ाने वाले दीन नू समझने वाले। दोस्तों मैं नहीं, मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मैं झूठ नहीं बोला, मैं सरकार दिया, मैं जो भाई ने मत्था चूमिया मेरा क्यों ना आंसू निकले, मैंने सरकार की निस्बत के नाल इस लेवल की मुहब्बत मिलन दी, मैं इस काबिल भी नहीं, मेरी कोई समझ ही नहीं आता, मैं तकरीर तकरूर नहीं मैनू आती, मैं अपने दिल की ही गल्लां कर रहा हूं, तो मेरा दिल भी है खिंचया गया वे अज दा फिर मजमा वेख के। और सब तो वही गल है जेड़ा एडी खून लीग और दूसरे जो हूँ कोई लीग भी नहीं रही, ना पी टी आई ना पी टी आई, कोई शह नहीं रही, हर शह खत्म हो गई। दोस्तों जिन्होंने खत्मे नबूवत के कानून से डाका मारिया, तुसी आ दसो कि अगर आशका ने सूर है जरा आसिया मजदूरों ने रिहा किया होंगी यार, अगर होंगे ये फिर उसे रौला तो पाते हैं, क्योंकि बाबा जी ने सानू दस ही देना कि कुत्ता बहादुर सुनू लगा भौंके शेर मचावे, क्यों चाहे कि नमूसे रसाला दूसरे ने अंदर कोई सूर ना फेरा पावे। दोस्तों तुहाडा यह वादा है कि साड़ी जान दे जीवन में जान होगी ना, साडे खून का आस भी कतरा भी होगा तो किसी कुत्ते की जरूरत नहीं होगी, असं ये गल लग जाएंगे। हाँ हो कुछ नहीं ना कर सके तो असम्बली के खड़े होकर रौला पावे, जो कर सकते करा असं ये गल जरूर लग जाएंगे। तकरीब के आखिर में मुल्की सलामती और अमन उमान के लिए दुआ भी कराई गई। कामयाबी और कामरानी अता फरमा इलाहुल आलमीन, साढ़े सिपाही राशिद साहब का बातन बदलिया जाहिर बदलिया यार। इस मौके पर राशिद करामत भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि और आप देख रहे हैं कि अवाम में इस तरह जोश व खरोश पाया जा रहा है, और जो ये लोग सारे इस वक्त M120 में जो PDM बन चुकी है, ये PDM बन चुकी है, उस PDM के खिलाफ है। इन्होंने पिछले 76 साल से जो मुल्क के साथ किया है वो सब मनावा की अवाम भी जानती है और पूरे पाकिस्तान की अवाम भी जानती है। अब इनके जलसे में कोई आने वाला नहीं, इंशाल्लाह 8 तारीख को तहरीक लबैक का हम पैगाम यही देना चाहेंगे कि 8 तारीख वाले दिन अपने घर से निकलें, सरकार को दरूद व सलाम भेजते हुए जाएं और क्रेन पे मोहर लगाएं।
कैमरामैन आतिफ और उनके साथ राशिद अली भट्टी, पंजाब मीडिया टीवी लाहौर।